स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब, मैं हूं दीपिका रेंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मलेरकोटला में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक खेत में बने कुएं से बोरे में बंद गाय के अवशेष मिले हैं। जानकारी के मुताबिक गाय के अवशेष कई बोरियों में बंद हुए थे, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे रक्षा दल और शिवसेना ने कुएं से सारी बोरियों बाहर निकाले और वहीं पुलिस ने जानकारी के मुताबिक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो कुएं में जो है बोरे से गाय के अवशेष मिले, जिससे जो है इलाके में सनसनी फैल गई है। बोरियों में बंद करके कुएं में फेंके गए थे गाय के अवशेष। ये पूरा मामला मलेरकोटला का बताया जा रहा है, जहां पर सूचना मिलने पर मौके पर गौरक्षक दल और शिवसेना पहुंची है, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो कुएं से मिले हैं गाय के अवशेष, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बोरियों में बंद गाय के अवशेष जो है किसी खेत में कुएं से मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुखा खान जुड़े हैं। सुखा खान, बताइए पूरा मामला है क्या है आखिर? के साथ एक गांव है और उस गांव के खेतों में एक पुराना कुआ है। उस कुएं में जब लोगों को दुर्गंध आई किसी चीज की, तो उन्होंने देखा थे काफी नीचे जाकर कुछ बोरे पड़े थे, जिसको लेकर के उसकी जांच की गई और इसकी सूचना जो है शिवसेना के लोगों को और गौ रक्षा दल के लोगों को दी गई, जिन्होंने पूरा मामला की छानबीन की और आखिरकार उनको ये पता चला कि साथ में एक तबेला है जहाँ काफी गाय रखी हुई हैं और जो गाय रखी हुई हैं वो भूखी, मतलब उनको पूरा भूखा रखा गया, खाने के लिए कोई भी उसको खुराक या दाना नहीं दिया गया, जिसको लेकर पुलिस को बताया गया। पुलिस ने जब छानबीन की तो उस कुएं से बोरियों में से गाय के कटे हुए काफी जो अवशेष मिले हैं, जिसको लेकर के जो लोग भड़के हुए हैं और उनका कहना कि बड़े पैमाने पे यहाँ से जो मांस है गाय का मांस वो दूसरे जो राज्य है वहां पर बेचा जा रहा है, जिसको लेकर सुखा खान शुरुआती जांच में क्या कुछ निकल कर आया सामने? जी बता दें कि काफी गाय के अवशेष मिले हैं, जिसको लेकर के लोगों में गुस्सा है और एक आरोपी जिसका तबेला है जो यहाँ पर कत्ल करता था गाय को और कत्ल करके जो उसका मांस था उसको जो बाजारों में बेचता था और दूसरे राज्यों में बेचता था, तो एक आरोपी पर पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो वहाँ जिंदा गाय थी भूखी हालत में उनको जो गाय धर्मशाला होती है वहाँ छोड़ दिया गया गायशाला गौशाला में। सुखा खान, पुलिस का क्या कहना है, क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? दीपिका बता दें कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, मगर एक व्यक्ति जिसका वो तबेला था उस पर मामला दर्ज कर लिया गया है अलग अलग धाराओं के तहत। और सेकेंडली बात यह है कि ये बड़े पैमाने पे करता था, क्योंकि 10 जिंदा गायें भूखी हालत में मिली हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये बड़े पैमाने पे और लगातार काफी समय से काम करता था और जो कुआ था वो भी बोरों से भरा हुआ था लबालब और काफी समय से ये सब चल रहा था। और बता दें कि इसका श्रेय जो शिवसेना और गौ रक्षा दल के लोगों को जाता है, जिन्होंने इस सब का पर्दाफाश किया। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये आपको मलेरकोटला से हम जानकारी दे रहे थे, जहाँ पर कुएं के से जो बोरियों में बंद गाय के अवशेष मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।